प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक छोटी बच्ची सुनीता की कहानी। हमारी कहानी का नाम है सुनीता की पैया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वो सोच रही थी कि आज उसे क्या-क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वो सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। आठ बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना। अलमारी में रखी है, ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वो बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वो थोड़ी उदास हो गई। वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। छोटू 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 छोटू। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था।
सुनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वो उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वो मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? ये तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। आपको क्या चाहिए? दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब और गरीब लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। ओह, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो।
दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हाँ? हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। हे ए हा, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन